तो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले क्लास में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट किए थे, उसका इंट्रोडक्शन समझ रहे थे। ओके, तो एक बार फिर से उसको जल्दी से रिकैप करते हैं और जहाँ पे हमारा टॉपिक छूटा था बेंजामिन फ्रैंकलिन, उस पे आते हैं। तो पिछले क्लास में ओवरऑल हम लोगों ने पढ़ा कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो ऑफ करेंट है, करेंट के फ्लो होने से इलेक्ट्रिसिटी होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी का फॉर्म है जिसका बहुत सारे जगह पर उपयोग है, और इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है फ्लो ऑफ करंट। ठीक, अब करंट जो होता है या इलेक्ट्रिक करंट जिसको बोलते हैं, वो कैसे फ्लो करता है? वो चार्जेस की हेल्प से फ्लो करता है। यानी जब चार्जेस किसी कंडक्टर में फ्लो होते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई हमारा कंडक्टर है, कोई मेटालिक वायर है। ठीक है, अब ये मेटालिक वायर है तो ये यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, जहाँ तक ये फैला हुआ है वायर। तो वो कैसे होगा? बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, चाहे वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हो या कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हो, मान लेते हैं सोडियम, तो उसके मूवमेंट से लगातार उसके थ्रू, उस मेटालिक वायर या कंडक्टर के थ्रू जब ये चार्ज पार्टिकल मूव करेंगे अलग अलग डायरेक्शन में, जैसे ही उनको कनेक्ट किया गया रहेगा अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस पे, तब जाकर करंट फ्लो होता है। तो करंट जब फ्लो हो रहा होगा तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है ना। तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो ऑफ करंट है, मतलब अल्टीमेटली बोले तो चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है चार्ज का मूवमेंट, चार्ज के मूवमेंट से ही करंट जनरेट हो रहा है, और करंट जनरेट हो रहा है तो उसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बोल रहे हैं। ठीक है, चार्जेस दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कोई भी ले सकते हैं, पोटेशियम, कैल्शियम या सोडियम या एल्युमिनियम, कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। हम लोग क्लास 9th में नील बोर का प्रिंसिपल पढ़े थे, और उन्होंने जो मैथमेटिकल फार्मूला दिया था उसकी सहायता से हम लोग एलिमेंट्स के आयन के बेसिस पे हम बता सकते हैं कौन पॉजिटिव चार्ज फॉर्म करेगा और कौन निगेटिव चार्ज। तो ये कुछ एग्जाम्पल है, दो तीन गिने चुने कि पॉजिटिव चार्ज के एग्जाम्पल है। निगेटिव चार्ज में हमारा ऑक्सीजन हो गया और सल्फर हो गया और फ्लोरीन हो गया, तो इस तरह के बहुत सारे निगेटिव चार्ज हैं। तो दो तरह के चार्जेस होते हैं, इसके बारे में सारा जो डिस्क्रिप्शन है वो किसने दिया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1742 के आसपास ये सारा चार्जेस का कॉन्सेप्ट दिया था कि चार्ज जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। और उस समय इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुई थी, इसलिए नेगेटिव जो चार्ज होता है उसको इलेक्ट्रॉन भी बोला जाता है, वो उस समय नहीं था कॉन्सेप्ट। उस समय केवल नेगेटिव चार्ज को नेगेटिव बोला जा रहा था और पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज। अब जाकर जब इलेक्ट्रॉन खोजा गया, लगभग 1897 के आसपास जेम्स जे थॉम्सन ने जब इलेक्ट्रॉन की खोज की, तब जाकर जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है उनको हम लोग इलेक्ट्रॉन भी बोलने लगे। ठीक है, तो उसके पहले इलेक्ट्रॉन नहीं बोलते थे, बस बोलते थे कोई नेगेटिव पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट का। ठीक, तो दो तरह के चार्जेस होते हैं, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने हमको बताया काफ़ी सालों पहले, लगभग 200-250 साल या उससे भी ज़्यादा ईयर पहले ये हमको कॉन्सेप्ट दिया था। और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही बताया, एक कन्वेंशन दिया था, कन्वेंशन का मतलब तरीका दिया था इलेक्ट्रिक सर्किट का, और उसमें करंट कैसे फ्लो होता है उसके बारे में भी उन्होंने बताया था। ठीक है, तो उसको थोड़ा समझ लेते हैं कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1742 में चार्जेस के बारे में बताया था, और इन्होंने जो अपना प्रैक्टिकल किया था वो इलेक्ट्रिक सर्किट बनाकर, साथ ही साथ उन्होंने फ्रिक्शन के थ्रू ऑब्जेक्ट्स को घिस घिस कर उनके सरफेस को, उसके द्वारा भी ये सारा कंक्लूजन लाया था कि दो तरह के चार्जेस होते हैं। ठीक, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो फ्लो ऑफ चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या बोला? इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट भी बोल सकते हैं उसको, इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ
चार्जेस, ठीक है, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट उसी टाइम दे दिया और उसी को अभी तक फॉलो किया जा रहा है। इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट जो है क्या है, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ये तो उनको पता है कि चार्जेस फ्लो होने से करंट फ्लो होता है, लेकिन कौन से चार्ज के फ्लो होने से करंट फ्लो होता है, तो वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि पॉजिटिव चार्ज के फ्लो होने से, यानी उसके मूव होने से लगातार इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। ठीक, तो अगर हम लोग एक छोटा सा सर्किट बनाए, इलेक्ट्रिक सर्किट बनाए, छोटा सा इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं, तो उसमें हम लोग पाएंगे कि ये स्विच हमारा ऑन है, वो सर्किट कंप्लीट है, क्लोज सर्किट है, तो करंट फ्लो हो रहा है। तो उन्होंने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या बोला कि इलेक्ट्रिसिटी इज नथिंग बट फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज के फ्लो होने से ही इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। यानी इलेक्ट्रिक, अगर इस सर्किट को देखा जाए तो इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी का, इसमें अगर इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो का डायरेक्शन देखा जाए तो वो होगा इस पॉजिटिव टर्मिनल से, ठीक है, तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट जो है इस तरफ मूव करेगा, ठीक है, इसमें जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर, 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 और नेगेटिव चार्ज से अट्रैक्ट हो जाएगा फाइनली। तो इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज अकॉर्डिंग टू बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक। अब इसी कन्वेंशन को, इसी मेथड को, इसी स्टेटमेंट को सभी, हम सभी अभी तक, आज तक फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज के मूव करने से करंट फ्लो होता है, इसलिए करंट का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगा, पॉजिटिव से होते हुए, पूरे सर्किट से होते हुए नेगेटिव तक जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे करंट का डायरेक्शन है, ठीक। इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल जो होता है, कैपिटल आई भी लिखते हैं कहीं, या कहीं कहीं आप स्मॉल आई भी देख सकते हैं बुक्स में, ठीक। तो हमारा करंट का जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव टर्मिनल से होते हुए पूरे सर्किट से होते हुए नेगेटिव टर्मिनल तक पहुंचता है, यानी कि यहाँ से यहाँ चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक। इसके बीच में गैप होता है, एयर का गैप, और वो जो गैप है उस गैप में कंडक्टिविटी नहीं होता है, तो ये पूरा साइकिल पूरा करके ही यहाँ तक चार्ज पहुंचेगा और अट्रैक्ट होगा, है ना। तो करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करता है। फिर इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई 1897 के आसपास, जे जे थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की काफ़ी सालों बाद। तो फिर जो नेगेटिव टर्मिनल है वहाँ से कौन सा पार्टिकल निकलता है, नेगेटिव चार्ज, जो फ्रैंकलिन ने बोला था, लेकिन बाद में पता चला कि नेगेटिव चार्ज जो होता है वो अल्टीमेटली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। तो अब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्या होगा, हमारे करंट के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, है ना। तो नेगेटिव टर्मिनल से क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन, और वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट आज तक चला आ रहा है कि करंट का मूवमेंट जो होता है इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से होते हुए नेगेटिव तक पहुंचता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है जो नेगेटिव टर्मिनल से निकल के पॉजिटिव टर्मिनल तक जाता है, जो कि करंट के विपरीत दिशा में है, ओके। तो ये कॉन्सेप्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन और बाद में बाकी के साइंटिस्टों ने दिया। मेन तो इनका, इसका बेस बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दे दिया था, सारा उन्हीं का कॉन्सेप्ट है, बस नेगेटिव चार्ज का जो पार्टिकुलर पार्टिकल नहीं पता था, बाद में वो भी क्लियर हो गया कि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का बस नाम आ गया। बाकी सभी चीज़ें, ये बेसिक चीज़ें जो थी चार्जेस के बारे में, या चार्ज किधर से किधर मूव करेंगे तो करंट किधर फ्लो करेगा, ये सभी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही बता दिया था 1742 के आसपास, ठीक। तो ये हो गया चार्ज के बारे में कॉन्सेप्ट। चलिए अब इसके बाद हम लोग समझते हैं, एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि जो फ्लो ऑफ करंट है, करंट का फ्लो कहाँ है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, यानी इलेक्ट्रॉन करंट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, ये याद रखिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा
और समझते हैं चीज़ों को। हम लोगों ने पिछले क्लास में एसी डीसी करंट पढ़ा था और थोड़ा सा ही उसका इंट्रोडक्शन है, तो जितना सफिशिएंट था मैंने आपको समझा दिया था, उस वीडियो को आप देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा एसी एंड डीसी करंट। नाउ अब चार्ज जो होता है, कोई भी हम लोग ले लिए कंडक्टर, कोई कंडक्टिंग वायर ले लिए, ये हमारा वायर है, ठीक है, ये हमारा कंडक्टर है। कंडक्टर यानी कोई भी मेटल का रॉड है या वायर है, ठीक कह सकते हैं वायर है, कॉपर वायर भी कह सकते हैं। अब इसमें से करंट फ्लो होगा, हम जानते हैं मेटालिक है तो इसमें से करंट फ्लो होगा जब इसको सर्किट में ज्वाइन किया जाएगा। ओके, तो इसमें से करंट फ्लो होगा, करंट यानी स्मॉल आई या कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, करंट फ्लो होगा। तो चार्ज के मूव होने से क्या होता है, करंट पैदा होती है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो यानी करंट और चार्ज के बीच में कोई रिलेशन है तो उसको समझते हैं, लेकिन उसके समझने से पहले देख लेते हैं कि चार्ज में क्या होता है। अब इसको अगर इसका हम लोग बड़ा व्यू सोचें एटॉमिक लेवल पे, इस वायर को मतलब और बड़ा व्यू करके सोचें और समझें, तो हम क्या पाएंगे, इसमें बहुत सारे एटम हैं और ये सॉलिड स्टेट में है तो सारे के सारे क्लोजली पैक्ड हैं। जैसा कि क्लास 9th के पहले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि सॉलिड स्टेट में जो एटम्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, यानी उनके बीच में स्पेस बहुत ही कम होता है, ना के बराबर होता है, इसलिए वो हार्ड होते हैं। तो ये वायर जो होता है मेटालिक वायर, सारे मेटल हम लोग जानते हैं मोस्टली ऑलमोस्ट सभी, कुछ को छोड़कर सब बहुत ही हार्ड होते हैं, तो ये सारे एटम क्लोजली पैक्ड हैं, ठीक है, किसी के भी एटम में कॉपर का या किसी और भी मेटल का। अब इसमें अगर चार्ज हमको कैलकुलेट करना हो किसी भी कंडक्टर में, किसी भी कंडक्टिंग वायर में, तो उसमें हमको पता होना चाहिए एक पार्टिकुलर लेंथ का वायर रहेगा, एक लंबाई का वायर रहेगा, है ना, एक एल लेंथ का कोई वायर है, ठीक है, ये लेंथ है एल, और इसमें एक निश्चित संख्या में एटम्स होंगे, इतनी लंबाई में मेटल में, तो कॉपर का मेटल का वायर है तो कॉपर के मतलब 10 लाख 20 लाख या 10 बिलियन या 10 ट्रिलियन इस संख्या में एटम्स उसके होंगे या और भी ज़्यादा होंगे, है ना, तो एटम की संख्या निश्चित होगी, और जब एटम की संख्या निश्चित होगी तो उसमें से फ्री इलेक्ट्रॉन जो मूव करेंगे जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, इलेक्ट्रॉन जो घूमता रहता है सर्किट में, वो कौन सा इलेक्ट्रॉन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है किसी भी एटम के बाहरी सेल में जो कम संख्या में इलेक्ट्रॉन होता है, जो बहुत ही न्यूक्लियस से ज़्यादा क्लोज नहीं रहता है, और चूंकि उसका 8 नंबर ऑक्टेट पूरा नहीं रहता है तो वो उतना मतलब इजीली वो उसको निकाला जा सकता है, तो इस तरह के इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। थोड़ा सा फोर्स देकर कुछ हीट या कुछ फ्रिक्शन देकर इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया जा सकता है, एक्साइट करके इसको डिस्प्लेस किया जा सकता है, और जब इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाएगा तो पार्टिकल या एलिमेंट क्या हो जाएगा, आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो ऐसे इसमें क्या हो रहा है कि हमारा एक मेटालिक रॉड है, वायर है कोई, उसमें एक निश्चित संख्या में एक पार्टिकुलर लंबाई होगी वायर की, उसमें निश्चित संख्या में एटम्स होंगे और हर एक एटम में फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करेगा और जब फ्री इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एटम जो है पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट होगा, है ना, नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन निकल गया तो पॉजिटिव चार्ज बनेगा, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज़्यादा मायने रखती है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या है वो मायने रखता है, उसके साथ साथ उस पार्टिकुलर लेंथ ऑफ वायर में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल यानी कितने एटम्स हैं उस एलिमेंट के, वो मायने रखता है, और इसी से हमारा एक फार्मूला बना है, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन गिव राइज टू द चार्ज ऑफ द होल कंडक्टर, ठीक है, किसी भी कंडक्टर में कितने एटम्स हैं और उस एटम से हर एटम में एक इलेक्ट्रॉन होगा और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, अगर हर एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज का मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि हर एक एटम से पार्टिकुलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, है ना, तो उस नंबर ऑफ एटम्स इलेक्ट्रॉन के चार्ज को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको उस पूरे वायर का चार्ज पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए फार्मूला बना है
क्यू इज इक्वल टू एन इंटू ई, जहाँ पर क्यू जो है चार्ज का सिंबल है। कहीं कहीं आप बुक्स में देखे होंगे या दिया भी रहता है, हायर क्लास में भी आप जाएंगे तो देखेंगे कि चार्ज का सिंबल स्मॉल क्यू भी होता है। ठीक है, स्मॉल क्यू से भी लिखते हैं, कैपिटल क्यू से भी लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक पार्टिकुलर फार्मूला है जिससे हम लोग को किसी भी कंडक्टर में चार्ज कितना होता है वो पता करने में सुविधा होगी। हम लोग चार्ज बता सकते हैं कि ओवरऑल उस पार्टिकुलर कंडक्टर या वायर में कितना चार्ज है, और वो कैसे पता करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल, एन मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल, उस पार्टिकुलर लंबाई वाले वायर या कंडक्टर में कितने पार्टिकल्स हैं उनकी संख्या, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और ई मतलब क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, हर एक में, हर एक पार्टिकल में एक एक इलेक्ट्रॉन या एक पार्टिकुलर संख्या में इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो हर एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो हर एक एटम की मतलब टोटल एटम की संख्या से इलेक्ट्रॉन का चार्ज मल्टीप्लाई कर देंगे, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला सबसे पहला है चार्ज, क्योंकि चार्ज से ही सब कुछ हो रहा है, चार्ज से ही, चार्ज के मूवमेंट से इलेक्ट्रिसिटी या करंट जनरेट हो रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी का सबसे बेसिक यूनिट तो ये हो गया चार्ज, चार्ज की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी है। तो इसके बारे में जानना है, हम लोगों ने बेसिक समझ लिया है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो बताया था, उसके बाद एक पार्टिकुलर कोई भी वायर मेटल कुछ भी है छोटा बड़ा उसके साइज के हिसाब से उस पर चार्ज निकाला जा सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला Q इज इक्वल टू एन इन टू ई, वेयर Q का मतलब है चार्ज, जिसको स्मॉल Q भी लिखा जाता है सिंबल, कैपिटल Q यहाँ लिखा है आपके बुक में भी, एन फॉर नंबर ऑफ पार्टिकल यानी उस पार्टिकुलर लंबाई या चौड़ाई वाले कंडक्टर में कितने एटम्स हैं उस पार्टिकुलर मेटल के, इनटू ई, हर एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन होगा जो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा जो इजीली रिमूव करेगा, और उसी के रिमूव होने से ही कंडक्टिविटी होगा, मतलब फ्लो ऑफ चार्जेस होंगे, है ना, तो उस इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मल्टीप्लाई। तो इस तरह से इस फार्मूले की सहायता से हम लोग किसी भी मेटालिक कंडक्टर पे चार्ज निकाल सकते हैं। चलिए एक इसको एक रैंडम कोई क्वेश्चन कर लेते हैं, इमेजिनरी क्वेश्चन, जिससे हमको आइडिया मिल जाएगा इससे इससे सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला हो गया चार्ज निकालने का किसी भी मेटालिक कंडक्टर पर। अब इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करते हैं हाँ, तो अब ये क्वेश्चन में कुछ भी आपको निकालने का आ सकता है, ये मैथमेटिकल क्वेश्चन है, इसमें आपको चार्ज निकालने का आ सकता है। अगर चार्ज आपको निकालने को आएगा तो आपको क्वेश्चन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज दिया हुआ। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमको चार्ज निकालना, एक कोई वायर है, ठीक है, क्वेश्चन मान लेते हैं क्वेश्चन वन एग्जाम्पल के लिए, कि एक वायर है और वायर में नंबर ऑफ पार्टिकल दिया हुआ है, मान लेते हैं 10^6, थोड़े मोड़े तो पार्टिकल होते नहीं, एटम तो बहुत सारी संख्या में होते हैं जिनकी गिनती थोड़ा करना मुश्किल है ना, इंडिविजुअल भी होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं, तो मान लेते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल इतना दिया है मान लेते हैं। ठीक, और हर एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, ये क्लास 9th में भी आपको पढ़ाया गया था बस, उसका चार्ज का वैल्यू वो कितना होता है 1.6 × 10^-19 कूलॉम। हाँ, एक चीज़ और इससे याद आया, चार्जेस का जो यूनिट होता है, चार्ज का जो यूनिट होता है वो कूलॉम होता है, जिसको कैपिटल सी से लिखते हैं। ठीक है, और नंबर का तो कोई यूनिट होता नहीं है, ठीक है, नंबर में केवल नंबर होता है, सिंपल न्यूमेरल वैल्यू। ठीक है, तो केवल न्यूमेरल वैल्यू यहाँ होता है, और चार्ज का यूनिट है कूलॉम, यूनिट ऑफ चार्ज। तो इस क्वेश्चन के साथ साथ हमको एक और चीज़ पता चल गई, यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलॉम पूरा लिखते हैं, लेकिन जब हम लोग कैलकुलेशन वगैरह करते हैं तो
तो कूलॉम पूरा नाम लिख करके सीधे कैपिटल सी लिख देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा गया इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलॉम, ठीक है। जैसे हम लोग न्यूटन लिखते हैं, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, लेकिन जब सॉल्व करते हैं तो लिख देते हैं 10 न्यूटन, फोर्स का वैल्यू इतना। तो इसी तरह से जब हम लोग कैलकुलेशन वगैरह करते हैं तो चार्ज के साथ केवल कैपिटल सी लिख देंगे, जो कूलॉम का सिंबल है। ओके, ये हो गया। अब उसके बाद तो हमको नंबर ऑफ पार्टिकल दिया है किसी वायर में, और इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हमको याद होना चाहिए, तो आपको लर्न कर लेना है, ठीक। अब उसके बाद, क्योंकि ये कभी नहीं पूछेगा आपको, ये हमेशा फिक्स रहता है, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो फिक्स है, वो कभी वेरी नहीं होता है। तो जब भी आपको इस क्वेश्चन, इस फार्मूले में दो ही चीज़ें पूछ सकता है अल्टरनेट करके, या तो नंबर ऑफ पार्टिकल पूछेगा, जब नंबर ऑफ पार्टिकल पूछेगा तो ये आपको याद रहेगा, या याद रहेगा और ये दिया रहेगा, ठीक। कोई दो दिया रहेगा, तीसरा पूछेगा, लेकिन कभी इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नहीं पूछेगा। और हो सकता है कभी पूछ ले, लेकिन अगर पूछेगा भी तो आंसर यही आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कभी वैरी नहीं होता है, चेंज नहीं होता है। ओके, चलिए तो हम इस फार्मूले का यूज करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। क्यू बराबर एम इंटू ई, तो एम हमारा 10⁶ है, इंटू इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 × 10⁻¹⁹ है। सॉल्व करते समय यूनिट लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मुझे सॉल्व करना है। अब हम लोग देख रहे हैं कि इसमें कैलकुलेशन में दो पावर वाले वैल्यूज़ हैं, एक हमारा ये है और एक हमारा ये है। तो पावर पावर वाले को पास में लिख देते हैं, ठीक है। पावर पावर वाले को पास में लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा, 10⁻⁶ × 10⁻¹⁹ इंटू 1.6 जो ये है। अब पावर वाले वैल्यूज़ को सॉल्व कर देंगे, अब देखेंगे कौन सा बड़ा वैल्यू है। तो ये बड़ा है, माइनस वाला बड़ा है, तो -19 में से 6 हट जाएगा, 19 में से 6 गया तो कितना बचा, 13, तो 10⁻³⁰ आया, ठीक है, क्योंकि माइनस वाला वैल्यू बड़ा है, इंटू 1.6। तो इसको रीअरेंज करके सही से लिख देते हैं, यहाँ पर आंसर हमारा 1.6 × 10⁻³⁹, और क्या पूछा था, चार्ज, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलॉम, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया, क्यू बराबर 1.6 × 10⁻³⁹ कूलॉम हमारा चार्ज आ गया, उस केस में जब कोई मेटालिक वायर में इतने पार्टिकल हो, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज तो फिक्स रहेगा, यही रहेगा, तो उसकी सहायता से हम लोग चार्ज निकाल लिए, चार्ज का यूनिट कैपिटल सी यानी कि कूलॉम, ठीक है। अब ये कूलॉम जो नाम पड़ा है, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही चार्ज के बारे में थोड़ा सा और डिस्क्रिप्शन दिया था, तो उनके नाम पर ही कूलॉम का यूनिट रखा गया है। उनका नाम पूरा था, उनका नाम इधर लिख देते हैं दूसरे कलर से, चार्ल्स ऑगस्टिन कूलॉम, ठीक है, कूलॉम ये वाला जो लिखा है, COU, थोड़ा सा अजीब नाम है इनका, ठीक है। चार्ल्स ऑगस्टिन कूलॉम थे, इन्हीं के ऑनर में जो चार्ज का यूनिट है कूलॉम रखा गया है, और जिसको हम लोग कैपिटल सी से भी लिखते हैं व्हाइल वी आर कैलकुलेटिंग द न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, ठीक है। तो इस तरह से हमको मतलब इसकी सहायता से, इस फार्मूले की सहायता से हम लोग चार्ज निकाल सकते हैं, या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल भी निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल कब निकालेंगे, जब हमको ये भी दिया रहा है और ये तुमको ऑलरेडी फिक्स ही रहेगा, तो ये दोनों चीज़ें दे रहे हैं कि चार्ज दिया रहेगा और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हमको पता है, तो हम लोग नंबर ऑफ पार्टिकल भी निकाल सकते हैं। चलिए तो उसके लिए भी एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, एक हो गया हमारा सिंपल क्वेश्चन, एक और सॉल्व कर लेते हैं। और इसी फार्मूले पे और बहुत सारे क्वेश्चन आप साइड बुक वगैरह हेल्प बुक से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, जिससे आपका प्रैक्टिस अच्छा हो जाए। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल निकाल कैसे निकाला जाएगा। चलिए इसको मिटा लेते हैं, आप नोट कर लिए होंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फार्मूला ये रहेगा फिक्स हमारा, है ना। अब हम मान लेते हैं कोई कंडक्टर है, क्वेश्चन नंबर टू, सैंपल क्वेश्चन नंबर टू में दे रहा हूँ। ये हम लोग ऐसे ही इमेजिनरी क्वेश्चन कर रहे हैं इस फार्मूले को समझने के लिए, है ना। ऐसे ही क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। तो इन अ कंडक्टर लिख देते हैं, और फिर चार्ज मान लेते हैं कि चार्ज जो दिया है एक कंडक्टर में, जो कंडक्टर वायर है या कुछ भी है मेटल का चीज, उसमें चार्ज दिया हुआ है, मान लीजिए 100 कूलम, ठीक है, 100 कूलम दिया है, दैट्स इट। और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो तो फिक्स रहेगा, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, ठीक है। हमको ओरिजिनल उस कंडक्टर का भी चार्ज पता है, और उस कंडक्टर में जो हर एक पार्टिकल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन, हर एक में जो कई सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, हर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी पता है, दोनों दिया है। तो हमको फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एन पता करना है, यानी जब टोटल चार्ज इतना हो पूरे कंडक्टर का और हर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना ही रहेगा, ये तो फिक्स है। जब ये दोनों चीज़ें दी गई हैं तो उस पार्टिकुलर मेटल में या कंडक्टर में कितने नंबर्स ऑफ पार्टिकल होंगे वो पता करना है। तो पहले तो ओरिजिनल फार्मूला लिखते हैं, एक मिनट, सॉल्यूशन तो लिख लिया जाए। तो सबसे पहले ओरिजिनल फार्मूला लिखा जाता है जो स्टार्टिंग में आपको समझाया गया है। ये ओरिजिनल फार्मूला है, हमको निकालना क्या है, एन, ये निकालना है, ठीक। अब इस पूरे इक्वेशन को उल्टा भी कर सकते हैं ना, यहाँ इक्वल टू बना है, इसको इधर पूरा लिखते हैं, इसको इधर, तो हम लोग लिख सकते हैं एन इंटू ई बराबर क्यू, ये लिख सकते हैं। हमको निकालना क्या है, एम, तो एम को इधर ही रहने देते हैं, और ई हमारा यहाँ मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, क्या होगा, मल्टीप्लाई का उल्टा होता है डिवीजन, है ना। जब भी इक्वल टू के दूसरे साइड कोई वैल्यू जाता है, वेरिएबल जाता है, तो उसका जो मैथमेटिकल फैक्टर होता है, मैथमेटिकल वैल्यू होता है, वो चेंज हो जाता है। अगर यहाँ माइनस है तो उधर जाके प्लस होता है, अगर यहाँ डिवाइड है तो उधर जाके मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पे है प्लस, सॉरी, इनटू, तो उधर जाके क्या होगा, डिवाइड। देयरफॉर एम बराबर क्या होगा, क्यू अपॉन ई, ठीक है। तो ये भी आप एक फिक्स फार्मूला रट सकते हैं, याद कर सकते हैं कि जब नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना है तो फार्मूला हमेशा क्या रहेगा, चार्ज अपॉन टोटल चार्ज अपॉन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो ये फार्मूला कब होगा, जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमको निकालना है, जैसे इस क्वेश्चन में हमको निकालना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। हाँ, तो एन बराबर टोटल चार्ज कितना दिया है, 100, क्यू के जगह पे मैंने 100 रख दिया है ना, और ये क्या दिया है हमारा इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, 1.6 × 10⁻¹⁹, ठीक। अब हम लोग जानते हैं कि जब जो ये पावर में या एक्सपोनेंट में नंबर्स रहते हैं, जब अपॉन के ऊपर आते हैं तो उनका वैल्यू या उनका साइन चेंज जाता है। तो ये माइनस में है, जब इस पूरे पावर को, केवल इस पावर वाले हिस्से को, एक्सपोनेंट वाले हिस्से को ऊपर लाएंगे तो इसका साइन चेंज जाएगा, माइनस यहाँ पर है, ऊपर आके प्लस हो जाएगा, अगर यहाँ प्लस होता तो ऊपर आके माइनस हो जाता, ठीक। तो अगला स्टेप में क्या होगा, 100 × ये 10⁻¹⁹, केवल मैं उठा रहा हूँ इसको, यही रहने दे रहा हूँ, ये ऊपर नहीं आ सकता, इसको तो डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक। तो 10⁻¹⁹ को मैं न्यूमरेटर में ला रहा हूँ, ऊपर वाले हिस्से में ला रहा हूँ।